अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे। मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेमेडी के साथ। बात करेंगे आज इची स्कैल्प के बारे में, यानी कि सर की खुजली के बारे में। ये क्यों होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ, वरना कहेंगे पकाती बड़ी है ये। तो सर में खुजली होने की बहुत से वजूहात होती हैं, बहुत से कारण होते हैं, जिनमें डैंड्रफ का होना, बालों में साफ सफाई नहीं होना, स्कैल्प में बहुत ज्यादा पसीना आना, इन्फेक्शन, एलर्जी, जुए का होना या किसी का कंघा, हेयर ब्रश यूज करना, ये सारी वजह हो सकती हैं सर की खुजली होने की। तो चलिए रेमेडी देखते हैं क्या है। आपको बस दो ही चीजें चाहिए, दही, दही और दूसरा है ये नींबू का रस। इन दोनों में ऐसी गुडनेस पाई जाती है, ऐसी ईचिंग रिलीफ प्रॉपर्टीज हैं, जिससे खुजली बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी खत्म होती है। तो हमें चाहिए बस आधा कप, ये आधा कप दही है, इसमें हम ऐड करेंगे आधा नींबू का रस, आधा नींबू का रस इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फेंट लीजिए। इस पैक को आपको अच्छे से अपने सर पे, स्कैल्प पे, पूरे बाल में अच्छी तरह से लगा लीजिए और करीब एक घंटे के बाद अच्छे से सर को धो लीजिए। ये दोनों चीजें सर की खुजली और बाल के लिए इतनी इफेक्टिव हैं कि आपको दो तीन बार में ही खुजली से राहत मिल जाएगी। इस पैक को हफ्ते में दो से तीन बार रेगुलर इस्तेमाल करना है और वॉश करने के बाद कोई भी एलोवेरा जेल या फिर आपके पास घर का बना हुआ हो तो वो ले लीजिए, नहीं तो बाजार वाला ले लीजिए। बहुत ही थोड़ा सा अपने सिर में इसको लगा लीजिए। तो ये थी आज की खास रेमेडी, क्योंकि सर की खुजली से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं और इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इस रेमेडी से। तो अब दीजिए इजाजत, मिलती हूँ फिर एक नई रेमेडी के साथ। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, घर में साफ सफाई रखें, दुआ में याद रखिए, आप अपने घरों में सेफ रहें, मेरी दुआओं में आप सब शामिल हैं। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।